जी वेलकम बैक नासरीन। हमारा टॉपिक आज मजबूर सियासतदान, और बात कर रहे हैं हम कि हमारे सियासतदान कितने मजबूर हैं, क्यों मजबूर हैं, अपने ذاتی مفاد की वजह से मजबूर हैं या उनके सामने उनकी अवाम की, उनके मुल्क की, उनकी कौम की भलाई जो है वो सामने है। इस बात पे हम डिस्कस करते रहेंगे और आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे। तो अली भाई ने इससे खाली हमारा जो मकसद है उससे मरबूत पाकिस्तानी सियासतदान नहीं है, इसमें ये सब आते हैं, क्योंकि इनके जो बैरूनी आका बैठे हैं ना, उन्होंने बिठाया इनको। बिल्कुल, जैसे वो एक भाई मेरे पूछा था ना कि इनका शजरा कहाँ से मिलता है जाके, तो ये देखें ना इनको बिठाया किसने, ये इनको लाए कहाँ से। ये जो डेजर्ट के बद्दू बहरी कजाक थे, जो लोग हाजियों के शिप जाते थे उनको लूट लेते थे रास्ते में, वो कहते थे हज हो गया, शाबाश वापस जाओ, हज हो गया तुम्हारा, कबूल कर लिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया, ये लूट लेते थे। ये बहरी कजाक हैं, बेसिकली कजाक यानी जो के जैसे डाकू होते हैं, ज़मीन पे डाका डालते हैं, जो समंदर में डकैतियाँ करते हैं उनको बहरी कजाक कहते हैं। ये बहरी कजाकों की औलाद हैं। तेल निकलने से पहले की इनकी शक्लें देखें, जो ब्लैक एंड वाइट फोटो हैं उसमें देखें कैसे उधड़े हुए और किस तरह की शक्लें हैं, नहुसत भरी हुई शक्लें। ये पैसा आने नहीं लाए वरना हम दिखाते हैं। हाँ बताओ, भी दिखाते चले अगले एक आध प्रोग्राम में दिखा देंगे तेल निकलने से पहले की तस्वीरें और तेल निकलने के बाद की। तो ये इस कैरेक्टर के लोग हैं, इनको लाकर बिठाया गया, आलमी इस्तेमार ने इनको बिठाया, वो इनके असल आका हैं। ये भी नफ्स के हाथों मजबूर, और उनके नीचे उनके भी मजीद पिट्ठू, पिट्ठू दर पिट्ठू, फरेब खुर्दा, फरेब खुर्दा दूसरे को भी फरेब देता है, दूसरे को भी फरेब में मुबतला करता है। तो ये पूरी सिलसिला चेन है नीचे से ऊपर तक, कोई उससे बड़ा कोई उससे बड़ा, मगर है ये सब। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, लंदन से बोल रहा हूँ। सलाम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम। आज अली भाई मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, यकीन जानिए। इधर आपका प्रोग्राम शुरू हुआ मैं लेट पहुंचा था, यकीन जानिए कि मैंने आज तक 5 मिनट में शावर और शेव की है और आपका प्रोग्राम देखने के लिए। आपका तो आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, आप टॉपिक भी बहुत अच्छा है अपना, क्या कहते हैं, आपने जितनी भी गुफ्तगू फरमाई, डॉक्टर साहब आए, जितने भी कॉलर आए, सब ने अच्छी अच्छी अपनी कंट्रीब्यूशन की है। मसला ये है कि अली भाई के हमने दुनिया को आगे लेके चलना था, हमने सब आए थे, हमने आगे लेके चलना था, हम वो रोशनी थी, वो बस की वो जो फ्रंट वाली लाइट थी ना, वो हम थे कि आओ हमारे पीछे पीछे चलते आओ, हमने मैनिफेस्टो देना था, सब कुछ करना था। लेकिन मसला ये हुआ कि हम हर जगह पे मजबूर हो गए, और जब छतरी होती है ना, छतरी के नीचे हमने सबको कॉल करना था कि आ जाओ, बारिश से बच जाओ, धूप से बच जाओ। ये छतरी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको दे के गए थे। हमने ज्यादती की, बहुत ज्यादती की है। आज मैं आपसे मैं पूछता हूं कि हम स्कूलों में पढ़ते रहे हैं, इम्तिहान देते रहे हैं, लेकिन आज तक हमें किसी ने ये क्वेश्चन ही नहीं किया, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन पाकिस्तान, ऑफ पाकिस्तान। ये आज तक कभी हमने पढ़ा क्यों? कि वो एक हिंदू है, इसलिए हम बच्चों को नहीं बताएंगे उसको। नबी पाक सल्लम की जो छतरी थी उसके नीचे से हमने निकाल दिया उसको, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर था ये एक हिंदू है, एक अछूत है, इसको निकाल दो। इसी तरह ये चीजें जो थी अली भाई, जो हमने काम करने थे हर जगह पे, हम हर 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 महकमे में और हर जगह पे हम मजबूर हैं, बाय फोर्स हम गया। आपकी बात बड़ी अच्छी है कि इन लोगों ने जो बड़ी ताकतें हैं ये क्या करती हैं कि इनको पता है कि यही एक मुसलमानों की कौम है, जो रसूल की कौम है, जो मैनिफेस्टो देती है, जो इंसानियत को आगे लेके चलती है, और जो दुनिया के हर मसाइल का हल देती है, ये वो कौम है। इस कौम को हर तरीके से पीछे रखा जाए, मफादात की जंग है, ऑयल की जंग है, बड़े बड़े तरीकों से आपको मुझको पुश किया जाएगा, फिर हमारे अंदर इख्तलाफात डाल दिए जाएंगे। अभी मेरी एक बहन आई थी, वो ठीक कहती थी कि भाई अहमदियो को काफर दे दिया, वो भी एक बात है, मेरे अहले तशी भाइयों को काफर कहते हैं, कोई किसी को क्या कह रहा है। हमने इतना वो कीमा हमारा कर दिया इन्होंने कि हमें वो कीमा करने के बाद आज जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है सऊदी अरब के, या ये सऊदी अरब ये भी इसके इसके हिस्सा है, मुसलमानों की तबाही का सबब जो है ना, ये मैं सऊदी अरब की हुकूमत को भी जिम्मेदार ठहराता हूं कि ये सबसे बड़ी है कि जहां पे हम मिलियंस लोग खाना काबा पे कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बाइक कहते हैं, फिर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, जहां पे
दुनिया की हर जगह के ऊपर रात को आदमी सो जाते हैं, रोजा रसूल और खाना काबा 24 आवर यार वहां पे आपको लोग मिलते हैं। हमने इंसानियत को आगे लेके चलना था, सऊदी अरब ने सोचा ही नहीं कि ये दुनिया हमारे पास इतना ऑयल है, हमारे सोर्सेज कितने हैं। आप रसूल सल्लम का मैसेज किया था, आप रसूल सल्लम ने यूनिटी की तरफ लेके गए थे, नफरत को दूर किया था, इंसानियत के लिए काम किया था। आज क्या है, आज हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब से नहीं पता चलता, सैयद जान अली साहब लूटन में यहां पे रहते हैं, यहां पे एक प्रोफेसर है सर एलन जेफरी, उसने डीएनए का कोड तोड़ा है यार, उसने दुनिया को एक चीज दी है। सैयद जान अली साहब देख ले अपना, देखें कि डीएनए का कोड किसने तोड़ा। ये डीएनए का कोड मक्का में तोड़ा जाना चाहिए था, वहां पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, हमारी हमें तालीम से दूर रखा गया, हमें हर लिहाज से जाहिल और नकारा बना दिया गया। हमें यहां से, मुझे शर्म आती है कि मैं अपने, यकीन जानिए कि आपने इस वार्ड में एपिंग फोर्स में बाहर निकलूं कि मोहम्मद अली को वोट दो यार, 8 आदमी के लिए मैंने सिग्नेचर कराने उस नॉमिनेशन पेपर के ऊपर, मुझे शर्म आती है मैं किसी का डोर नॉक करूं जाके यार। यहां तक मोहम्मद अली की सिचुएशन होगी, किस वजह से, हमारे हुक्मरानों की वजह से, खास तौर पे ये सऊदी अरब के हुक्मरान जो हैं, ये बादशाह कहां पे थे भाई, इस्लाम में बादशाह ये प्रोहिबिटेड है, ये एक नफरत का एक बीज है, ये चीजें दूर करनी थी। इसी बादशाह ने क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया, ये सारी हिस्ट्री देख लो भाई, बच्चों तक उनकी मतलब इन्होंने गर्दनें उतार दी हैं। तो ये बादशाह ही है, मुसलमानों सोचो कि ये सऊदी अरब की, ऐसे ही ना हम ऐद करते रहोगे जो सऊदी अरब ही है, खाना काबा की हफाजत कर रहे हैं, कर नहीं, खाना काबा की हफाजत हम कर लेंगे, मोहम्मद अली पे छोड़ दो हम कर लेंगे। अल्लाह के बंदे सबसे पहली चीज है कि अपने अपने मुल्कों के हालात इनको रिमूव करो, कि ये इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन है, ये आपके रसूल के दुश्मन है, इन्होंने इकट्ठा होने नहीं दिया मुसलमानों को, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ठीक है, इन्होंने वो मुसलमानों के अंदर और इंतजार पैदा करने के लिए कब्रों को इस्तेमाल कर दिया, कि अल्लाह के बंदे तू मुस्लिम उम्मत को इकट्ठा कर ले, कि ये मैं एक्ट करने लगा हूं, इसके इसके असरात क्या होंगे, इसके नफरतें पैदा होंगी, क्यों गिराया खाना कभी, ठीक है अपना क्या कहते हैं, लोग जाते थे जी कि पाबंदी लगाते थे कि यहां पर भी जिस तरह के जी आप हाथ उठा के दुआ नहीं करते थे, ये आपकी निशानियां हैं, हम इसको मस्मार नहीं करते, आओ आपके फातह कहो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये उसने काम किया ही नहीं और नफरत की तरफ ले गया, गिरा दो जला दो ये कर दो, काफर सुन्नी वाबी देवबंदी शिया पता नहीं क्या क्या, हमें अली भाई कहां पे हम पहुंच गए, लेकिन मायूस फिर भी नहीं हूं, खुदा की कसम मायूस नहीं हूं, यही उम्मत उठेगी दोबारा और यही उम्मत जो है ना इंसानियत को लेके आगे चलेगी, क्यों कि रसूल जिसके लिए मेरे इमाम ने कुर्बानी दे दी हो, जिसके लिए रसूल सल्लम ने ताफ में पत्थर खाए हो, और मैं मायूस होकर बैठ जाऊं वहां मदरी घर में, नहीं, ये लोग जो ये जालिम हैं, ये जालिम हुकूमतें हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे यूएनए में बैठी है, चाहे बरतानिया की जहां पर मैं हुकूमत बैठा हूं, ये जालिम लोगों को रिमूव होना चाहिए। हमने नफरत के बीज बोए हैं और फिर दोबारा छतरी खोलेंगे और अपनी अपनी आने वाली नस्लें, अपने स्कूल, हमारे टीचर मजबूर हैं, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ाते, जिस तरह मैं अभी बात बता रहा है कि हमारे टीचर और प्रोफेसर मजबूर हैं कि अपने बच्चों को नहीं बताते कि भी मोहम्मद अली तुम्हारा जो पहला लॉ मिनिस्टर था वो एक हमारा हिंदू था, वो जिसको हम अछूत कहते हैं, उसने इतना काम किया हमारे लिए, लेकिन हम वहां पे नाम नहीं लेते, हम हर जगह पे मजबूर, लेकिन मेरी बहन और अली भाई यकीन जानिए हदाय टीवी पे मैं मायूस नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके टीवी से बहुत सारे लोगों से जो क्या कहते हैं अंधेरे में थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे अल्जाम थे, इवन क्या कहते हैं जी, यकीन जानिए मेरे अहले तशरीफ भाई जब वो जी मातम करते हैं वो राइस में जी वो ब्लड मिला देते हैं, अच्छा इतनी सी बेफजूल बेतुकी बातें जो मिम्बरे रसूल से होती थी, जो नफरत फैलाने के लिए ये मुल्ला ने यूज किए, अटैक यूज किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका मीडिया आ गया है, आपके मीडिया से ये चीजें जो रिमूव हो रही हैं और इस्लाम की असल शेप जो है ना, मुझे तो दुआ करता हूं कि ये साइंसदानों को मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तूने ये नॉलेज हमको दिया कि आज हम घर पे बैठ के टीवी के ऊपर से हक और सच की तमीज कर सकते हैं, नहीं तो हम मस्जिद में पहले जाते थे एक ही मौलवी की बात सुनी, ओ शिया काफिर वो जी तबा नाउज़ बिल्ला तबा नाउज़ बिल्ला, वो जी शाम गरीबा को ये करते हैं वो ये करते हैं वो करते हैं, ओ अल्लाह के बंदो ये सब झूठ था, ये सब बकवास थी, इन लोगों से जो नाम सुनते आए, इन जिन लोगों ने तबाही की तरफ हमको ले गए, तो रब तला हमको
आपके टीवी से हमको रोशनी मिल रही है, इंशाल्लाह ताला हम अपना काम करते रहेंगे, आप भी करते रहेंगे, मेरी बहन भी करते रहेंगी, कॉलर भी आते हैं वो आने गए, और यूनिटी की तरफ चलो, वही छतरी के तले इकट्ठे होने की कोशिश करो, और हर इंसान इसको आपने इकट्ठा करना है। अदरवाइज इसके अलावा जिस सिचुएशन में मेरी बहन आज हम चल के, मैंने अपनी यकीन जाना, मैंने अपनी एक फीलिंग बताई है कि खुदा की कसम मैं कलमा खा गए पढ़ के कहता हूं कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर डोर नॉक करूं कि मेरी बहन या किसी के दर के कि मैंने नॉमिनेशन पेपर लिए इसके ऊपर साइन कर दो। ये मेरी सिचुएशन है अली भाई, सही कह रहे हैं। Anyway, इंशाल्लाह आपके टीवी से आपको हिम्मत मिलती रहेगी और कभी मायूस नहीं होंगे और साथ से कमतरी का शिकार हम नहीं होंगे। आपका थैंक यू वेरी मच, मेरी बहन आपका थैंक यू वेरी मच, और आज मेरा रिकॉर्ड है हदायत टीवी पे भी आ गया कि 5 मिनट में मैंने शावर लिया और शेव किया। क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड आ गया आपका। बहुत खूबसूरत बात की, ना जाने एक और कॉलर को लेते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, आपको भी सलाम हो। एक मिनट आपसे लेना चाहता हूं। मुंशी भाई, ममदली भाई की बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, दर्द दिल रखते हैं पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ममदली भाई जरा उस पर भी नजर रख लिया करें। पाकिस्तान के ने कभी भी पाकिस्तान की आवाम ने किसी अकलियत को छतरी से बाहर नहीं निकाला, बल्कि हमने तो इंसाफ के तराजू भी इनके हाथ में दे दिए हैं। आपको जस्टिस भगवान दास आपको नजर आएगा, जस्टिस कालीनस आपको नजर आएगा, जो अदालतों में बैठे रहे और इंसाफ करते रहे, उनके दौर में इंसाफ भी होता रहा और अच्छा इंसाफ होता रहा है। हमने कभी ऐसी बात नहीं की कि कभी किसी अकलीतों को हम छतरी से बाहर निकालें। जरा सिर्फ बात यह होती है देखने की कि जो भी आदमी किरदार अदा करता है ना, तारीख में उसका नाम लिखा जाता है और तारीख उसे कभी नहीं भुलाती। अब बात सिर्फ ये करके आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ, आप ही जरा इसका जवाब दे दें। मुझे सिर्फ इतना बताया जाए कि दाश का सरबराह कहता है कि हमने काबे पे हमला करके, काबे को पुरानी बिदत है, इसको खत्म करना है, काबे को भी गिराना है, तो वहां सऊदी अरब उसका साथ देता है और सऊदी अरब उसको पैसे भी दे रहा है और असला भी दे रहा है। और यमन जो अपने घर में बैठा अपनी मुसीबतों को, अपनी रोटी मांग रहे हैं, अपने हकूक मांग रहे हैं, उन्होंने काबे की बात नहीं की, तो क्या वहां पे सऊदी अरब हमला करके उनको मार रहा है और दाश जो खाने काबे पे आने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ वो दे रहा है? क्या ये इस्लाम में यही दोगलापन है? क्या इनका इस्लाम यही है कि जो इनके घर आए मारने के लिए और उसके साथ चल पड़े और जो अपने घर में अपनी रोटी मांगने के लिए लड़ने हो उनको मारने चला जाए? इस पे जरा मुझे बता दें कि आपकी क्या राय होगी। थैंक यू जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर सी बात है, इसी के ऊपर शुरू से आखिर तक गुफ्तगू हो रही है कि सरासर मुनाफिकत है और क्या है, इसके ऊपर और बात करेंगे अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मैं रिजवान अली बात कर रहा हूँ, लंदन से। जी रिजवान, मैंने पहले भी एक पॉइंट उठाने की कोशिश की थी, वो ये था कि आले सऊद की जो फैमिली ट्री है, जो पीछे से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उससे थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि दो तीन किस्म की राय है इस बारे में। कोई कहते हैं ये वही यहूदियों की औलाद है कि जो कि जिनको निकाल दिया गया था मीसा के मदीना के बाद अरब से। कुछ कहते हैं ये मरवान बिन हकम की औलाद में से है, कुछ कहते हैं कि ये अबू सुफियान की औलाद में से ही है या उनसे कोई रिलेटेड फैमिली से ही है। बहरहाल जो भी है, हमें इस तहकीक को करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि मैंने पूरा इंटरनेट छाना, मैंने काफी दिनों से मैं इसको ढूंढ रहा हूँ कि फाइंड आउट करूं कि इसका दादा कौन था, एक सवाल करूं उसका परदादा कौन था, एक सवाल करूं। ठीक है, ये पायरेट्स भी हो सकते हैं, मगर बहरहाल इनके कोई ना कोई इनकी फैमिली ट्री तो होगा और इसको रिसर्च करना बेहद जरूरी है। अगर आज हम अपने किसी नौजवान को ये बात करते हैं और बताते हैं कि यार ये असल जुल्म करने वाले आज की जो कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो बुनियाद जाके मिलती उधर से ही है। सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसका सफास समझ में आता है, जो कुछ गजा में यहूदी करते हैं और उसके बाद कोई आवाज नहीं उठाई जाती, और यमन और यमनी उन बेचारे लोगों से क्या खतरा हो सकता है? मुसलमान है, अगर आकल को इसराइल हमला करे खाना काबा पे या अमेरिका हमला करे तो ठीक है, बात समझ में आती है, यार वो खाना काबा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो रोजा रसूल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनसे तो खतरा है।
मगर वो तो हमला नहीं कर रहे हैं। अगर मुसलमान कर रहा है, अगर सऊदीया के ऊपर हमला यमनी करते हैं या होती कबाइल करते हैं, पहले तो वो भी नहीं कर रहे हैं, जैसे सो कॉल उनको कहें कि वो हमला कर रहे हैं, मगर अगर वो करते भी हैं तो वो कम अज कम खाना काबा को या आपकी रोजे रसूल को तो नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। हाँ खतरा है तो उनसे है जिन्होंने जन्नत अलबकी को उड़ा दिया, जिन्होंने तमाम जो प्यारी प्यारी हमारी खूबसूरत जगहें थी उनको उड़ा दिया, या जिनकी जो प्रॉक्सीज हैं इराक में और शाम में, जिन्होंने खालिद बिन वलीद का रोजा, बीबी जैनब का रोजा उड़ा दिया, और जो अभी पिछले दिनों उन्होंने अभी ये जो खुद सऊदियों ने पिछले दिनों की बात है, अब यूब अंसारी के घर को उड़ा दिया। मीन इस तरीके से तो मामलात ये उड़ा रहे हैं। वो जो पुराने अशार शायर थे इस्लामिक, जहां से लोग दीन सीखते थे और निकलते थे, उनको उड़ाने, अगर खतरा है खाना काबा को रोजा रसूल को तो वो इन सऊदियों से है। तो हमें ये मालूम करने की बेहद जरूरत है कि ये बेसिकली है कौन। हम पिछले 90 सालों से इनको भुगत रहे हैं, 95 ईयर्स हो गए इनको, मगर ये है कौन, इनका फाइंड आउट करना बेहद जरूरी है। इनके बाप दादा कौन थे? देखें, हमने आज तक पढ़ा अपनी किताबों में, जब हम मशा तालुम पढ़ते थे और इस्लामी तारीख पढ़ते, हमें अमीर माविया के बारे में बताया जाता था, हमें मुख्तलिफ लोगों के सहाबा इकराम बला, हमें आज तक पता ही नहीं था। मुझे तो अभी चंद साल पहले पता चला कि यजीद जो था अबू सुफियान का पोता था। आई डोंट इवन रिमेम्बर, अबू सुफियान के बारे में जरूर बताया जाता था कि उसने हज़रत सरफ के साथ डायरेक्ट जंग की थी, मगर अमीर माविया की तारीफ ही बयान की जाती थी। तो हमें पता ही नहीं था कि अमीर माविया उसी हिंदा की औलाद में से था कि जिसने हजरत इमाम अमीर हमजा का कलेजा चबाया था। कैसे एक माँ इतना बुग्ज रखे और बेटा जो हो मोहब्बत के गीत गाए, कैसे हो सकता है? मीन दिस इज नॉट लॉजिकल। फिर चले अगर हम मान भी ले कि नहीं, अमीर माविया बहुत बड़े आला साहबी थे, बहुत नेकोकार थे, मगर फिर उन्होंने जंग की ना आले रसूल के साथ जंग की, तो उनका बुक्स था वो खाली जंग तलवार तो उठा के, खाली मजाकन तो तलवार उठा के नहीं बैठ रहे, 100 दिन तक उनका मुहासरा जारी रखा उन्होंने, और उस जंग के दौरान उन्होंने गालियां भी निकाली होंगी, उन्होंने बुरा भला भी कहा होगा, प्लानिंग भी की होगी, अजाली तरह को कत्ल करने की कोशिश भी की होगी, तलवार भी उठाई। जब एक बंदा इतना करने के बावजूद भी आप उसको मतलब छुपा पाए हैं, हम लोग 20-25-30 साल तक हमें पता ही नहीं था, जब तक मेरी एज थी 25-30 साल तक मुझे पता ही नहीं था कि यार अमीर माविया कौन है। जब खुद मैंने स्टडी करना शुरू किया, थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि अमीर माविया तो हिंदा का बेटा था और अबू सुफियान का बेटा था, और फिर उसके बेटे, फिर चले अमीर माविया अच्छा, तो फिर उसके बेटे ने फिर वही जुल्म किया, उन्होंने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। तो मेन एक पूरी नस्ल करती हुई आ रही है, बीच में से आप एक चंद एक लोगों को उठा लेते हैं, लेकिन ये लोग सही थे बाकी गलत थे, आप चले पिक एंड चूज कर ले, मैं उस पर भी आपको एतराज नहीं करता, आपका अपना ईमान है, आप करते रहे, मगर हमें ये मालूम करने की जरूरत है। जिस तरह इन्होंने इस मामले को छुपाया हुआ था, अमीर हमजा को चादर के नीचे छुपाया हुआ था, अमीर माविया को, कि अमीर माविया एक बहुत नेक आदमी है, आज हमें पता चला कि यार वो तो हिंदा की औलाद था और यजीद का बाप था। अब हमें आले सऊद का पता करना भी बेहद जरूरी है। मैं नहीं मिल रहा, मैंने पूरा इंटरनेट छाना है, मुझे कहीं उसका फैमिली ट्री नहीं मिल रहा, और मैंने एक फेसबुक के ऊपर पेज बनाया है फ्री हिजाज के नाम से, अगर आप लोग सर्च करें, और मैं चाहता हूँ कि आपकी सर्च करें, ठीक है, हिजाज के नाम से, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मौकफ आ गया आपका, बहुत शुक्रिया, लाइक करें और किसी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन उस पर ये डाल पाए कि यार ये इसका इतनी जाके पीछे मिलता किससे है, आखिर ये किस नस्ल से ताल्लुक रखता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुल्म की रफ्तार डिसाइड करती है कि किससे जाके कौन मिलता है। आखिरी कॉलर को शामिल करें प्रोग्राम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। मुसीफ भाई, अहमद, मैंने कहा 2-3 मिनट रह गए हैं, मैं आखिर पे सिर्फ एक मिनट, तो मोहम्मद अली भाई भी आए थे, सिर्फ एक मिनट, बहन ने भी सवाल किया था, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट है। हाँ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो वजीर खारजा पाकिस्तान के थे सर जफरुल्ला खान साहब थे, वो एमडी थे, और 71-72-73 में जफर चौधरी एयर मार्शल वो एमडी थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जिन्होंने नोबल इनाम, पहले मुसलमान डॉक्टर थे, वो एमडी थे। तो जब चुविंडा पे 600 टैंक का हमला हुआ तो जनरल अब्दुल अली एमडी थे, चुविंडा में भट्टू साहब ने कहा कि अब वो जब 600 का हमला किया था टैंक का,
तो ये बम बांध कर ये खुद पेश कर दिया इन्होंने जनरल साहब ने कि मैं जाता हूं अगर कोई नहीं जाता, तो उन्होंने कहा इंडिया अटैक बट अली वाज देयर। उनके बड़े भाई थे जनरल मलक अख्तर, वो जो शहीद हो गए थे यहाँ पे आए थे दौरे पे तो तुर्की में। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ इन दो लोगों से कि आप देखें ईमान पर रहकर हक पर जो रहकर कितने अरबी मुसलमान ममालिक को आजाद कराने में सर जुबला खान साहब की उनकी तकरीरें पुरानी तारीख सारी बताएगी। ठीक है, मुल्ला कैसे छुपा लेंगे। ठीक है, ठीक है, आपका आ गया। जहाँ तक इसकी बात हो रही है तो जाहिर बात है फिर मतलब अगर फिरके के हिसाब से बात हो तो फिर कायदे आज़म असना शरी शिया थे, उन्होंने पाकिस्तानी बनाया। बात इसके साथ ही प्रोग्राम का इंतखाम इख्तिताम करेंगे दुआ के साथ कि खुदा जो है वो मतलब जहन्नम का प्लॉट जो है वो भर जाए और हम लोगों को जो है वो जहन्नम काफिर काफिर कह के सबको जहन्नम जाना का जो सिलसिला हमने लगाया हुआ वो बंद हो। एक दिन ऐसा भी आए कि इस प्लॉट में जो है वो जगह ख़त्म हो जाए और लोगों का सफ़र जहन्नम की तरफ से जन्नत की तरफ शुरू हो जाए और तमाम माशरे में खुशहाली और अमन जो है वो कायम हो जाए। इसी के साथ, इसी दुआ के साथ जो है वो हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। जी बस एक दुआ है दिलों में सबके, जो कुछ नहीं कर सकते वो दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि मुसलमानों की जो हालत अब है वो बेहतर हो जाए और अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा दे हम सबको और उस मुकाम पर ले आए जहाँ पे रसूल की उम्मत को होना चाहिए। इस शेर के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगी कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर तक। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।